अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? तबीयत से ठीक है? लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा कि यहाँ पर खड़ी थी एक ट्रॉली गन्नों की, यहाँ पर इस जगह पर, और वो अभी चली गई है मिल पर। और ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा बुरी खबर है, क्योंकि हम सारे रात कल गन्ने खाते रहते। लास्ट व्लॉग में हमने देखा होगा, बहुत ही मज़ा आया था। और अब देखें सारी जगह खाली हो चुकी है यार, उसने बड़ा गंदा किया हमारे साथ ना ट्रॉली को लेकर। बाकी मौसम आपके सामने, हर तरफ धुंध दोबारा छाई हुई है, और शायद कि आज दिन ना सूर्य ना निकले लगता है मुझे ऐसा है, क्योंकि अभी टाइम 11:30 हो रहे हैं मेरे ख्याल में, और अभी तक सूर्य नहीं निकला। और अभी अमेजन में स्कूल जा चुके हैं, और मैं यहाँ पर अकेला खड़ा हूँ, और हवा चल रही है, फुल ठंड लग रही है। कुछ समझ यार मतलब क्या करे, लेकिन फिर भी कुछ करते हैं। उस तरफ पहले मैं निकालता हूँ कबूतरों को, कबूतर मैंने नहीं निकाले सुबह से, और अभी यार धुंध तो फिर हम कबूतर निकालते भी नहीं हैं यार। ये तो बांध है, उस तरफ जाना पड़ेगा। कबूतरों के पास पहुंच चुके हैं, मुझे लगता है अम्मी ने इनको ना पहले से ही कुछ ना डाल रखा होगा। देखे सामने पड़े हैं दाने वगैरह, कुछ ना कुछ डाल रखे हैं, वाटर भी पड़े हल्का बहुत। और जो चिकोरे हैं वो फिर से निकले हुए, वो उनको बहुत तंग करते हैं कबूतरों को ऊपर। एक तो ना रात को अंदर जाती नहीं है, वो बैठते हैं ये सामने वाले ना, वो बैठते हैं इस वाले दराख के ऊपर। तो बस फिर पता क्या करें यार, फिर वो सुबह उठती हैं ना इनको ख़राब करती हैं कबूतरों बेचारों को। अब इनको बंद कर देते हैं, क्योंकि ना ठंड बहुत ज़्यादा है, तो फिर इनको सर्दी लग जाएगी, फिर बुखार ना हो जाएगी। और लास्ट व्लॉग में आपने देखा होगा कि मैं जो व्लॉग अपलोड कर रहा था वो नहीं हो रहे थे, तो सुबह उठ के मैंने 4 बजे दोनों को अपलोड कर दिया है, दोनों व्लॉग अपलोड हो चुके हैं। और शायद कि आज के दिन में ना मैं जो दोनों व्लॉग हैं ना वो एक साथ अपलोड कर दूँगा, या फिर कुछ करते हैं ऐसा ही, मतलब कि हमारा घोड़ा पूरा हो जाए। जो कल हमने व्लॉग नहीं भेजा था, दो व्लॉग मेरे पास दोनों व्लॉग बने हुए हैं, तो बस मैं आज ना उन दोनों को एक साथ ही भेज दूँगा। एक भेजूंगा असर के वक्त, और एक जो हमारा टाइम है 6 बजे उस वक्त भेज दूंगा। पहले मुझे लग रही थी ठंड, जब मैं व्लॉग बनाना शुरू किया है ना, थोड़ा बड़ा बड़ा ऊँची में बोला है, आगे पीछे घूमा फिरा हूँ ना, एकदम से गर्मी होना शुरू हो चुकी है, फुल हैवी किस्म का चिल माहौल में आ चुके हैं एकदम। और मैं व्लॉग बना रहा हूँ अपने छोटे से ट्राईपॉड से, और देखे कितनी फिट क्वालिटी आ रही है। मैं बंदा दरमियान में आता है आराम से, इधर उधर आपको देखने के लिए फुल मतलब कि व्यू मिल जाता है इस साइड पे भी और इस साइड पे, और ऊपर से आईफोन 11 में तो वाइड एंगल भी है ना। मैंने आईफोन लिया इसी वजह से, इसमें वाइड एंगल है, तो वाइड एंगल का फिर अपना ही मज़ा होता है। 11 से नीचे है ना उनमें वाइड एंगल नहीं है, बस सिर्फ बंदे का मुँह आता है। अब देखे मैंने हाथ में पकड़ा हुआ है, इधर और इधर हर तरफ फुल हैवी किस्म का माहौल आ रहा है, व्यू फुल आ रहा है, बड़ी स्क्रीन में बंदा देख सकता है इसको। और अगर बंदा इसको ऐसे खोल दे तो फिर देखे ये एकदम से ना ड्रोन बन जाता है, इतना ऊपर ऊपर हर चीज़ नज़र आती है बंदे को। और जी आज है जुम्मा, तो हमें सफ़े वगैरह भी डालनी है, और आरिफ भी इधर ही आया हुआ है, अदर भी आया ना सुबह सुबह तो उनके साथ ही आ गया, अदर भी गए अभी घर वापस जुम्मे के लिए तैयारी वगैरह करने, और इनको इधर ही खड़ा गए हैं। तो टाइम होने वाला थोड़ी देर तक हम जाएंगे, सफ़े भी डालेंगे, रोज़ान वगैरह देनी है वो भी देंगे। तो अभी तक मौसम ठीक नहीं हुआ, शायद के देखें मौसम ठीक हो जाए, लगता तो नहीं है कि आज सूरज आएगा। वेलकम बैक जी, तो अभी मैं और आरिफ जा रहे हैं मस्जिद में सफ़े डालने, क्योंकि पूरा टाइम हो चुका है 12:30, तो 1:30 बजे जुमा होता है। अभी चलते हैं सफ़े डालने, आ जाओ भाई, राधा का लेते हैं बंद। और मस्जिद आपको दिखाऊं फुल साफ सुथरी हुई पड़ी है, जो सुबह बच्चे आते हैं ना वो पे जुमे वाले दिन ना सफाई करके जाते हैं, चेक करें जी हाथ तरफ साफ सुथरी हुई पड़ी है, क्या बात है जी। अभी यहाँ पर डालते हैं सारे सफ़े, मस्जिद के अंदर सफ़े पड़ी होंगी वो उठाएँगे और यहाँ पर डालेंगे। और आज के दिन यहाँ पर खैरात नहीं बनी, जब पिछले जुमे वाले दिन यहाँ पर खैरात बनी थी, आज नहीं बनी। और जो फर्श है ये सारा गीला गीला हुआ पड़ा है, शबनम वगैरह है ना, शबनम की वजह से सारा गीला हुआ पड़ा है। अंदर अंदर तो लाइट नहीं चली हुई, पहले जगा दी लाइट, और यहाँ रहते सफ़े, मैं सभी बाहर रख लूँ तो फिर आप बोल सको, क्योंकि ऐसा बंदा और नहीं है कमरा मैन नहीं बन सकता, तो मैं सभी बाहर रख लूँ, उसके बाद ही आपको मिलता है। काम वगैरह जो है वो सारा कंप्लीट हो चुका है, इधर की भी सारी सफाई हो चुकी है, और बाहर भी सारी सफाई वगैरह डाल दी है। ये देखें जी सफाई हो चुकी है, सफाई भी कर ली है, और अभी चलते हैं हम वापस घर, और वहाँ जाकर अपने फिर भी सफाई करते हैं, अपने तैयारी वगैरह करते हैं, और फिर हम आएंगे जुम्मा पढ़ने। ये बर्तन पढ़ने ये भी साथ ले जाते हैं, और बाकी सारी साफ सफाई हो चुकी है। और अब अहमद वापस आ चुका है, जैसे मैं सफाई करके आया हूँ ना एम पी वापस आ चुका है, और रहन भी भीड़ से फिर से सी लगा हुआ है। पिछले व्लॉग में हम देखा होगा जो हमने उसकी तूती पहले फेंकी थी, और ये भी आ चुका है वापस, वो देखो फिर से उसने सी लगा शुरू कर दी है। अभी जाकर तैयारी करते हैं, और उसके बाद ही आपको मिलते हैं। क्योंकि तैयारी वगैरह हमने सारी कर लिया, और हर तरफ से ना अजाने वगैरह आ रहे हैं, तो पहले हम जाकर खजान खुद भी अजान दे देते हैं, और उसके बाद जाना है मैंने उधर बेली को
खाना वगैरह देने, मेरा साथ जाएंगे तो देखते हैं लोग बनाते हैं नहीं बनाते। और मैंने ना आज मिनी व्लॉग भी स्टार्ट कर दिए हैं, वो भी मेरे इसी चैनल पे आते हैं, तो जाकर देखना ना, एक अभी बनाया वो अपलोड कर दिया है और अभी दूसरा भी बनाते हैं। वेलकम बैक जी, तो अभी जुम्मा नमाज शुरू हो चुकी है, जैसे कि आपको आवाज पीछे आ रही है, तो अभी चलते जुम्मा नमाज पढ़ने और सूरज भी फुल प्रॉपर तरीके से आ चुका है। जुम्मा हमने पढ़ लिया है और अभी हम कर रहे हैं जहन के साथ एक बहुत बड़ा प्रैंक, जो उसने दो दिन पहले ली हुई थी ना सीन से होती, आज मैं उसकी वो तोड़ूंगा और उसके बाद दूंगा उसको 100 रुपीज़। तो पहले उसको जाकर बुला कहते हैं अहमद, मैंने बहुत बड़ा प्लान किया हुआ है ना, तो आज इसकी रिएक्शन देखना, इतना ज़्यादा रोता है ना मतलब कि जो जब मैंने कल हल्के से कैसे कहा था कि मैंने फेंक दे इतना मुझे मार रहा था, अब बस आज इसकी ना एकदम से तोते तोड़ देंगे वो जो इतने ली हुई है। अभी हम गए ना जुम्मा पढ़ने, जुम्मे के अंदर बैठा हुआ था बाहर हफ्ते सी सी सी, मुझे इतना गुस्सा है ना, अभी इसको जाकर तोते तोड़ते हैं, इसमें प्रैंक करते हैं। अभी जी हम जैन को पीछे लेकर आ रहे हैं, मतलब ना गेट के अंदर खड़ा हुआ है, तो उसे मैंने कहा है कि ना मैं ना एक वीडियो बना रहा हूँ, बस मैं तुम्हें कहूँगा मुझे तोती दो, मैंने बजानी है, और उसने कहा ठीक है, तो फिर मैं तो तोती दूंगा और फिर मैं कैमरा पकड़ के रखूँगा। उसको ये नहीं पता, बिल्कुल नहीं पता कि वो मैं तोते मेरे ना तोड़ देंगे। मैं बुला कहता हूँ उनको, उसे मैंने सिर्फ कहा है कि मुझे सिर्फ दिखाना, मैं एक बार अपने नगर के सामने ना बजा के तुम्हें वापस दे दूँगा। अभी जी जैन आ चुका है और मैं बजा के दिखाता हूँ तोती, दिखा देना एक मिनट, ये देखें ये इसके तोती, मैंने तोड़ दिया सारा तोती का, और इसके रिएक्शन चेक करें, मैं रिएक्शन चेक करें, और मैंने सारे इसके तोते तोड़ दिए, ठीक है ना। अभी ना अभी ये बस हमें मारेगा, अभी देखना खले उतारेगा। पागल हो गया क्या, गुस्से में खड़ा हुआ है, इतना गुस्से में, ओए ये कोई ना ऐसे रिवर, ये कोई ऐसी आम वीडियो नहीं है, ये ना हमने कसम से सोची नहीं है, ये हमारा रियल वाला प्लान है, लगी कसम रियल वाला प्लान है, ऐसा ऐसा ना करना कि तुम लोगों ने ना खुद ही बनाई है। अभी हमारे पीछे पड़ चुके हैं, ओए पहले पहले इसने आके ना सीधा कैमरे के ऊपर ही थप्पड़ मारा फुल जोर का, ऐसा ना यार, और इसके तोते का हाल देखें, मैंने सारा उसका ना खराब कर दिया, इधर देखें और इसका रिएक्शन देखें, देखें जूते ही पड़े, मैं भी यही उठा लेता हूँ, इसके एक चीज़ तो मैंने उठा लिया, अभी फिर से ओए वो कुमार यार अहमद को मार, मेरे मुझे पार किया तुम यार, देन खैर है यार, खैर है ये तो तूती यार, क्या है यार ये तूती यार भैया, अरे तो ये तूती क्यों क्या खाने इतनी तूती के लिए, पता नहीं पागल हो रहे उसके उसकी आवाज़ ही नहीं आ रही, देन भैया खैर यार ये तो तूती यार, मुझे क्यों मार रहे भाई, है तो तूती यार, देन खैर है यार, देन भैया यार तूती वजह से इतना मार है, बार बार पीछे आ रहा है, एक नाप यार हम नापी को, अबे तूतिया इसकी वो हमने सारी बस तोड़ तोड़ फोड़ दी है, विदा इसको तोड़ने और के बाद देखें, अब तो बोल ही नहीं पा रही, चेक करें बस, अब हमारा भाई काम खराब हो गया, ये मतलब कि सुबह से लगा हुआ था हर तरफ सी 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 सी, बताओ जी अब आया मजा है, आ गया मजा, अब रो रहे आराम आराम से, तुम्हें हम इतना मना करते ना, मना करते रहे ना, हम इसको ये ना बजा ना बजा 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 ना ऐसे करते थे, नहीं मजा है, खड़े थे रोंदा जुमे पे उधर बैठे हुए थे, ये गए हैं पहले पहले कुछ नहीं कर रहा जुमे पे, जब गए ना जुमे पे जा ये यही काम कर रहा था, है नहीं मजा है यार, ये इतना खराब करने के बाद भी अभी भी हल्के हल्के बाज रहा है, इसको मैं फेंक देता हूँ बहुत दूर, बस फेंक दिया, छोड़ो यार इसको यार, तो अभी जैन बेचारा था रो रहा है, ठीक है ना, तो इसको हम सरप्राइज दे देते हैं, जो 100 रुपीज़ थे ना इसे वो बहुत दे देते हैं, ये ले भाई जाके ना इनके ना पापड़ ले क्या, फिर ना हमें भी साथ खिलाई, सामने दुकान से जाके पापड़ ले क्या, हमें भी दी और खुद भी खाई, ठीक है ना, जाइए ये सामने सारे ना पापड़ ले क्या, और आप थोड़ा सा खुश हो गए, 5 रुपये के तुलसी मैंने इसको 100 रुपीज़ दे दिए, जाके आप पापड़ लेके और हमें भी साथ खिलाना, ठीक है, अभी जैन तो गए हुए पापड़ लेने और हम इधर बैठ कर सुकून से धूप सेक रहे हैं, फुल हैवी किस्म धूप आई हुई है, और प्रैंक कैसा रहा था फिर को मैंने बताना यार, सही तरीके से जहन तो असल में रोने पड़ गया था, फुल इतने तोते की वजह से रोने पड़ गए, है ही ऐसे जहन से छोटा है ना, छोटे छोटे रोने पा जाता है, व्लॉग में तो इतना नहीं रोया लेकिन घर जाके इतना रोए, फिर हमने मना के इधर ले आए, वही तो जब मैंने कहा 100 रुपीज़ दो तब भी बहुत खुश हुआ है, व्लॉग में तो नहीं रोया था, जैसे अभी घर जाके इतना रोया है, पता नहीं क्या मसला है इसके साथ, ये ऐसी चीज़ें और भी करता रहता है बहुत ज़्यादा, अभी इसके बाद हम ना अगली वीडियो सोच रहे हैं, जैसे हमने बनाए थे ना जरासीम वाली, एक वीडियो और सोच रहे हैं उसका न्यू वर्जन, तो वो ज़्यादा मज़े के बनाएंगे इंशाल्लाह, वो करते हैं इसके ऊपर ना एक पूरी वीडियो बनाएंगे जो प्रैंक की होगी, पूरा प्रैंक वाली वीडियो बनाएंगे, जैसे वो जरासीम वाली बनाए थे ना, इंशाल्लाह कुछ सोच रहे हैं अच्छे से, अगर मिल गई ना
फिर आपको भी साथ शेयर करेंगे। अभी सोच रहे हैं, अभी जी जैन पीछे लेकर आ चुका है पापड़, वो देखे सामने उसके हाथ में पापड़ है, भाग क्या सारे 100 रुपए का सारे पापड़ लेके आ गया। अभी जी पड़ वगैरह हमने मुका लिए तो हाथ भी धो लें यार, अभी खाना भी खाना है तो पता नहीं क्या बन रहा है खाने में जाकर, वो भी ट्राई करते हैं। और जैन अब हल्का बोलता खुश हो गया ना, हाँ जैन खुश हैं, खुश हैं। तो जी बस यहीं पे कर देते हैं इस व्लॉग का एंड। आई होप कि आपको ये वाला प्रैंक अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं मेरे साथ, तब तक के लिए अल्लाह। Yeah, pull up on you like a gen Z.